इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर, मामूली कहा सुनी में पत्नी ने की आत्महत्या। एक दिल के भूलपुर गांव का है मामला। थाना प्रभारी दीपक कुमार और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे। इटावा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थाना एक दिल के भूलपुर गांव में रहने वाली राधिका ने अपने पति के साथ हुई मामूली कहा सुनी में खुदकुशी कर ली। तो वही राधिका के मायके वालों का कहना है कि ससुराल वालों ने योजना बनाकर मेरी बेटी के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। बताते चले कि मृतिका के एक बेटा और एक बेटी है। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी दीपक कुमार और फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल की कार्रवाई शुरू कर दी। मौके पर मौजूद परिजनों को निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिलाते कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम निश और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।